टाइटल। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिकी चुनाव में उनकी शानदार जीत की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कोई उनकी दोबारा शानदार वापसी की बधाई दे रहा है तो कोई उन्हें राजनीति का बड़ा खिलाड़ी करार दे रहा है। लेकिन आज के खर्चा पानी में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कितना रुपया धेला है, कितना पैसा है, राजनीति के अलावा ट्रंप किन चीज़ों का बिजनेस करते हैं, उनकी कमाई के रास्ते क्या हैं, जरिए क्या हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से कमाते हैं, दुनिया के किन किन देशों में उनका कारोबार फैला है, भारत में उनका काम धंधा क्या और कितना है। खर्चा पानी के आज के एपिसोड में हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में फैली अरबों की संपत्ति के बारे में खूब विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अरबों के मालिक हैं। उनकी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया गया है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप करीब 6.49 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। भारतीय मुद्रा के लिहाज से देखें तो आज की तारीख में ये होते हैं करीब 55,000 करोड़ रुपए। जीरो नहीं गिन पाएंगे हम और आप एक बार में। वहीं फोर्ब्स की दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट के हिसाब से ट्रंप के पास करीब 55,700 करोड़ रुपए के आसपास की कुल संपत्ति है, जबकि इसी साल जून में ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 63,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कुछ साल पहले यानी जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे, 2016 से पहले की बात हो रही है, तो साल 2015 के आसपास ट्रंप की कुल संपत्ति करीब 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा आंकी गई थी। ये अनुमान था। आज की तारीख में इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये रकम बनती है 84,300 करोड़ रुपए। ट्रंप की संपत्ति को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन आंकड़ों से ये ज़रूर मालूम पड़ता है कि ट्रंप राजनीति के मजे खिलाड़ी होने के साथ साथ अमेरिका के काफ़ी पैसे वाले नेता भी हैं, यानी बिजनेसमैन भी पॉलिटिशियन भी। हालांकि उनकी कमाई के आंकड़ों को देखें तो उनकी संपत्ति में काफ़ी उतार चढ़ाव भी दिखाई दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में ट्रंप की संपत्ति करीब 1.5% घट गई। अब उतनी बड़ी जो रकम, उतनी बड़ी जो संपत्ति है, उसका 1.5% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर साल 2024 में ट्रंप की संपत्ति में 110% का उछाल आया है। इस दौरान ट्रंप की कुल संपत्ति में करीब 28,700 करोड़ रुपये का इजाफा देखने को मिला है। इस तरह देखें तो ट्रंप के लिए ये साल कमाई के लिहाज से काफ़ी लकी साबित हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की कमाई के रास्ते क्या क्या हैं। वैसे तो ट्रंप कई तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उनकी कमाई के दो तीन बड़े जरिए हैं। पहला है रियल एस्टेट का बिजनेस, दूसरा है मीडिया और टेक्नोलॉजी। उसके अलावा ट्रंप दूसरे तरीकों से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टो करेंसी, किताबों की रॉयल्टी, ब्रांडिंग, लाइसेंसिंग के जरिए उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है, बढ़िया कमाई हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के रियल एस्टेट के बिजनेस की, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कमाई का सबसे बड़ा जरिया रियल एस्टेट का बिजनेस है। ट्रंप की कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में होटल चलाती है। ये कंपनी लग्जरी घर बनाकर बेचती है, सपनों का आशियाना। इसके अलावा ये कंपनी गोल्फ कोर्स जैसी संपत्तियों की भी देखरेख करती है। ट्रंप की इस कंपनी का मैनहट्टन में ट्रंप टावर और फ्लोरिडा में मारे लागो एस्टेट की गिनती दुनिया की कुछ आलीशान प्रॉपर्टीज में की जाती है। आप गूगल पर तस्वीरें सर्च कीजिए, देखते रह जाएंगे। लग्जरी घर बनाने के अलावा ट्रंप कमर्शियल प्रॉपर्टी के जरिए भी खूब कमाई कर रहे हैं। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका के 1290 एवेन्यू मैनहट्टन ऑफिस में उनकी हिस्सेदारी है। साथ ही ट्रंप नेशनल डोरल मियामी गोल्फ रिजॉर्ट भी उसके मालिक हैं। यानी ट्रंप के पास एक से बढ़कर एक रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। ट्रंप के पास अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में पाम के बीच के किनारे महलनुमा घर है। साल 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा के जिस घर में रहते हैं उसका नाम मारे लागो है। अब इसकी डिटेल सुनते जाइए। इसे 1927 में बनाया गया था। इस आलीशान बंगले को ट्रंप ने साल 1985 में खरीदा था। 20 एकड़ में फैला घर किसी बंगले की जगह महल नजर आता है। बताते हैं कि इसमें 58 बेडरूम है, 33 बाथरूम है, एक स्पा है, स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, गोल्फ कोर्स भी तक बना हुआ है। अमेरिका के अलावा ट्रंप की यूरोप, भारत और एशिया के दूसरे हिस्सों में भी महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। यानी कि उन्होंने एक जगह ही नहीं बाकी अलग अलग देशों में भी इन्वेस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप गोल्फ के काफी शौकीन हैं। उनके पास 19 गोल्फ कोर्स भी हैं, उनके मालिक हैं वो। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट और कई लग्जरी कारें हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कमाई में 4 चांद लगाने वाली एक और कंपनी है। इस कंपनी का नाम है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में ट्रंप की हिस्सेदारी करीब 57% है, 57%। हाल ही में ट्रंप की इस कंपनी के शेयर खूब दौड़े हैं, खूब बढ़िया उछाल उन्होंने पाया है। इससे ट्रंप को काफ़ी फायदा हुआ है, जाहिर सी बात है। ईटी यानी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी वगैरह से भी खूब कमाई की है। इतना ही नहीं, वो अपने नाम का लाइसेंस देकर और किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी से भी खूब पैसा कमाते हैं। चूंकि अब वो एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो उनकी सैलरी से भी अच्छी खासी कमाई होगी। अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति को हर साल बतौर सैलरी $400,000 मिलती है, उनका एनुअल पैकेज है। रुपए में इसको देखें तो करीब 3.5 करोड़ सालाना। यह सैलरी साल 2001 से नहीं बदली, यानी अप्रेजल नहीं हुआ है ट्रंप का या अमेरिका के प्रेसिडेंट का। सैलरी के अलावा खर्च के तौर पर भी काफ़ी पैसा मिलता है, वो अलग अलग पर्क्स हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ट्रंप का भारत समेत दुनिया के कई देशों में बिजनेस फैला हुआ है। भारत की बात करें तो भारत में ट्रंप का बिजनेस मुंबई, पुणे, गुड़गांव और कोलकाता समेत कई शहरों में है, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जो भी बड़ी सिटीज़ हैं उसमें। इन शहरों में ट्रंप टावर आपको ज़रूर नज़र आएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी भारतीय साझेदारों के साथ कई लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। अगले 6 सालों में भारत में ट्रंप टावर्स की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। कंपनी नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी कई और प्रोजेक्ट्स ला रही है। इनमें ऑफिस से लेकर गोल्फ कोर्स और विला तक शामिल है। भारत में ट्रंप की रियल एस्टेट पार्टनर ट्रिबेका डेवलपर्स के फाउंडर कल्पेश मेहता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अमेरिकी चुनावों में ट्रंप की जीत की करी खबर आने के बाद ट्रंप का कारोबारी घराना भारत में अपना निवेश और बढ़ा सकता है। 2014 में मुंबई में ट्रंप टावर की लॉन्चिंग के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। इसके 2 बरस बाद वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और साल 2021 तक इस पद पर रहे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को रियल एस्टेट कारोबार विरासत में मिला है। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन रह चुके हैं। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप ने पिता का कारोबार संभाला और वैसे तेजी से आगे बढ़ाते चले गए। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें, जैसे कि मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। अगले क्यों, हमेशा ख्याल रखिए अपना। बाकी जाते आते एक और जानकारी कि लेलन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक, जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। कहाँ पर? lelantop.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको बैनर पे तो आप क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक आपको मिल रहा होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप लेलन टॉप अड्डा का हिस्सा बन पाएंगे। इसकी कीमत है सिर्फ 499 रुपये। आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और चले आइए। ख्याल रखिए।